मेरे चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के स्टफ चिल्ले। चलिए शुरू करते हैं। मूंग दाल के स्टफ चिल्ले के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे मूंग दाल। ये मूंग दाल मैंने 3 घंटा पहले भिगो दी थी। अभी मैं इसे छानली से छान ली। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। चलिए पीसते हैं। ये 2 कप मूंग दाल है फूल के, ये थोड़ी क्वांटिटी भर जाती है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़ी अदरक, 1 चम्मच अदरक, ये घिसी हुई अदरक है, और 4 ग्रीन चिलीज। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। और इसका हम लोग स्मूथ बैटर बना लेंगे। स्मूथ बैटर पीस लिया है। 1/2 ग्लास पानी भी मैंने यूज़ किया है। देखिए ये स्मूथ बैटर बन गया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये बैटर रेडी है चिल्ला बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 स्पून ऑयल। तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी जीरा। तो सब जीरा गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। मैंने 2 कटे हुए प्याज लिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे कैप्सिकम। मैंने 1 कैप्सिकम ली है मीडियम साइज की। और 1 गाजर ली है जिसे मैंने कद्दूकस से घिस लिया है। गैस की फ्लेम हाई कर रखी है, ये थोड़ा सीखेगा तो मैं फ्लेम लो कर दूंगी। तो सब्जी पकने में 1 मिनट लगेगी। ये सब्जी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इसे मैंने 1 मिनट पका लिया था। अब हम डालेंगे इसमें पनीर। मैंने ये 50 ग्राम पनीर लिया है। इसे अच्छे से ब्रश कर लिया और डालेंगे इसे 1 टमाटर जिसका पल्प मैंने निकाल दिया, ये खाली आउटर है। अब हम इसे डालेंगे हमारे मसाले। मसाले में हम डालेंगे 1/2 स्पून नमक, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 स्पून, गोलकी पाउडर 1/2 स्पून, अमचूर पाउडर 1/2 स्पून, गरम मसाला 1/2 स्पून। ये सब्जी
हमें पूरी अच्छे से नहीं पकानी, ये हल्की सी क्रंची ही अच्छी लगती है। मैंने अच्छा से सब मसाला मिला लिया, इसे मैं एक मिनट मिलाऊंगी, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। स्टफिंग में मसाला अच्छा से मिल गया, मैं इसे निकाल लूँगी। चिल्ला बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। तेल गरम हो गया, मैंने गैस सिम कर ली। अब मैं डालूंगी इसमें चिल्ला का बैटर। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा इसे फैला सकते हैं, ये बहुत इजीली आराम से फैल रहा है। इसके चारों ओर मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है। उल्टी पलटी करके अच्छा से सेक लीजिए, मैंने इसे टर्न किया, दोनों साइड से इसे अच्छा से सेक लीजिए। अब मैं डालूंगी इसमें हमारी स्टफिंग। स्टफिंग को आप बीच में रखिए कि दोनों तरफ से अच्छा से ये टर्न हो जाएगा। इसे थोड़ा प्रेस कर दीजिए, अच्छा से चिपक जाएगा। हमारा स्टफ चिल्ला रेडी है सर्विंग के लिए। हमारी स्टफ मूंग दाल के चिल्ले की रेसिपी रेडी है सर्व के लिए। यदि ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपके साथ मेरी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।